नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बिना हमारी गाड़ी हैं जो नहीं चल सकती हैं, इनको डलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे कुछ समय के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट हैं जो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पेट्रोल पंप वाले हैं जो चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं जिनसे वो पेट्रोल या फिर डीजल को चोरी कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, हम कुछ टिप्स को जानकर हैं जो सुचेत हो सकते हैं, उन टिप्स की हेल्प से हम पेट्रोल या फिर डीजल को चोरी होने से अपना बचाव कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं शुरू और जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनका यूज़ करके हम डीजल या फिर पेट्रोल की चोरी होने से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स प्राइस या फिर राउंड फिगर भी कह सकती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग हैं जो सेम प्राइस पर तेल डलवाते हैं, जैसे कि 100, 500। हमें इस तरह फिक्स प्राइस पर पेट्रोल या फिर डीजल कभी भी डलवाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन केसेस में ज़्यादातर पेट्रोल पंप वाले हैं जो सेम रीडिंग की सेटिंग करके पहले से ही रखे रहते हैं, जिसमें अगर कोई भी सेम इन प्राइजेस पर तेल डलवाता है उनमें से उनका तेल चोरी होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की चोरी से बचने के लिए आप कभी भी सेम प्राइस पर पेट्रोल ना डलवाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, 110 का डलवा सकते हैं, 210 का डलवा सकते हैं। आप कभी भी सेम प्राइस पर पेट्रोल या फिर डीजल मत डलवाइए, जिनसे आपकी चोरी कभी भी नहीं हो पाएगी। आगे बात करेंगे मीटर रीसेटिंग की। दोस्तों, आप जब भी तेल डलवाएं मीटर पर आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, तेल डलवाते समय वो मीटर को चेक ही नहीं करते, जिनसे उनकी तेल की चोरी हो जाती है। दोस्तों, आपके आगे वाला बंदा जब तेल डलवाता है, पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, उसी रीडिंग से आपका तेल भरना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी तेल की चोरी हो जाती है। इस तरह की चोरी से बचने के लिए आप तेल डलवाने से पहले मीटर को चेक करें, मीटर पर जीरो चेक करें, उसके बाद ही तेल डलवाइए। आगे बात करेंगे मीटर की स्पीड। दोस्तों, तेल डलवाते समय आपने मीटर की स्पीड पर हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मीटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो उस समय आपको पेट्रोल पंप के मेंबर को रोकना चाहिए और पूछना चाहिए मीटर की स्पीड इतनी तेज क्यों आ रही है, और अपने तेल को भी चेक करना चाहिए आपने जितने का तेल डलवाया है वो आपके पेट्रोल टैंक में या फिर डीजल टैंक में गया भी है या फिर नहीं। आगे बात करेंगे पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते समय अपनी गाड़ी से ज़रूर उतरें। जी हाँ दोस्तों, जब भी तेल डलवाएं आपको अपनी गाड़ी से उतर कर है जो देखना चाहिए तेल डालने वाला बंदा है जो तेल बिल्कुल सही से डाल रहा है या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं उतरते हैं तो उस समय पेट्रोल वाले मेंबर क्या करते हैं, वो जब नोज़ल से तेल डालते हैं, नोज़ल के साथ में एक स्विच लगा रहता है, उसको वो बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, जिससे वो थोड़ा सा तेल चोरी करने के बाद है जो तेल डालना शुरू कर देते हैं। उस थोड़ी सी चोरी से बचने के लिए आपको हमेशा अपनी गाड़ी से उतरना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, आप जब भी पेट्रोल या फिर डीजल भरवाएं, उस समय आपको पेट्रोल डालने वाले बंदे की बातों में नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, कुछ पंप्स में जो पेट्रोल डालने वाले बंदे रहते हैं वो कस्टमर्स को अपनी बातों में उलझा लेते हैं, और उसी कुछ समय में वो पेट्रोल भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, वो आपको उलझाने के बाद है जो पेट्रोल डालते हैं वो कुछ गिनती से आगे आपका पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका तेल है जो चोरी हो जाता है। आपको कभी भी पेट्रोल डालने वाले बंदों की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको मीटर की जीरो चेक करनी चाहिए और पेट्रोल की जो डाल रहे हैं उसकी स्पीड है जो मीटर की चेक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं उम्मीद करूंगा आप इन टिप्स को जानकर तेल चोरी होने से अपना बचाव कर सकते हैं और अभी आप सुचेत भी हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे आपको इसी तरह वीडियो सेंड मिलती रहे साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।